बहुत मुश्किल है, नीचे भी नहीं लगने जा रही क्योंकि दिल मेरा मुँह में आ गया और गाड़ी बिल्कुल पूरी पानी में, लगभग ये टायर फूट सामने आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वैली है, तो इसी वैली पे हमने जाना है आपको, पूरा व्यू दिखाते हैं आपको शुरू से लेकर एंड तक, बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग गंदी रोड रास्ते में। Hey guys, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नीरज ऑटो हिल व्लॉग्स में। तो अब जो हम करने आए थे वो कर चुके हैं, मतलब अब हम जा रहे हैं वापस। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि चढ़ाई कितनी है हमारे रास्ते में, जितनी यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाना है। हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि चढ़ाई में पांच लोग बिठा के टाटा पंच का क्या रिव्यू रहता है, मतलब क्या कैसा कुछ परफॉर्मेंस रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको सामने दिखा दूं, ये देखिए। तो फिलहाल तो सीधी चढ़ाई ऊपर के लिए, तो आगे हमने ये ऊपर जाना है, इधर ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर है। तो मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते भर की क्लिप्स और जो भी मजा आएगा रास्ते में दिखाता हूँ। फिलहाल हम पानी पी रहे हैं, तो काफी मजा है आज। तो ये नई जगह है, बनी बसोली तो नहीं पहुंचे हम, पर सरथल नाम की जगह है। एंड हमारे साथ है पीछे जो टेम्पो दिख रहा है आपको, ये वाले बहुत सारे लोग हैं। तो शायद मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगा थोड़ी बहुत अगर होंगी मेरे पास। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको परफॉर्मेंस टाटा पंच की। फिलहाल आप चढ़ाई चेक कर सकते हैं। तो गाइस सामने आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वैली है, तो इसी वैली पे हमने जाना है आपको, पूरा व्यू दिखाते हैं आपको शुरू से लेकर एंड तक, बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग गंदी रोड रास्ते में। तो एक्सपीरियंस करेंगे उस साली रोड का जिसके हम उधर से आए थे, तो बहुत दिक्कत आई थी हमारे साथ। तो कुछ आल्टो वाले थे उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, जो कि हमने हल्की निकाली, मतलब हमने तो नहीं निकाली पर ट्रैक्शन वरेक्शन दिखा के, क्योंकि वो काफ़ी नीचे लग रही थी। हमारी पंच इजली निकल तो गई थी बट बहुत मुश्किल हुई। तो इधर से देखते हैं क्या कुछ रहता है। फिलहाल खूबसूरती का मजा लें आप, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैली है। अगर आपको आना तो आप आ सकते हैं, बनी बसोली वाली रोड है ये, किसी को पूछ सकते आ सकते हैं, मतलब भद्रवा वाली साइड से। तो इसके ऊपर आपको दिखेगा छत्रकला, फिर उसके आगे गुली डंडा, फिर भद्रवा। तो चलिए जो भी है आप वैली का मजा लीजिए आप। निकाली थी गाड़ी, तो वो शायद पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, साहब यहाँ से दिखाएंगे आपको। ओह माय गॉड, बहुत मुश्किल है, नीचे भी नहीं लगने की गाड़ी क्योंकि दिल मेरा मुँह में आ गया और गाड़ी बिल्कुल पूरी पानी में, लगभग ये टायर्स पूरे अंदर है पानी में। अब वो मैं दूसरी पीछे आपको दिखी थी वापस, वो जितने वो टायर थे भाई साहब, भाई साहब। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, चार बंदे हम पांच बैठे हैं अंदर, चार ही फिलहाल, एक हमारा कैमरामैन नंबर नीचे है। तो चार बंदे लेके गाड़ी इजली तो नहीं, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ा मुझे एक्सीलेटर वहाँ पे, उसने दम ही छोड़ दिया था, पता नहीं क्या हुआ था। बहुत सी एफर्ट डाला इन्होंने आज अंदर, मैं इनकी क्लिप नहीं ले पाया, बट जो नदी थी इन्होंने क्रॉस की सबसे पहले, तो आपको इजली वीडियो पहुँचती आपके पास। आपको पता नहीं उसके पीछे कितने एफर्ट्स लगते हैं, हमारे कैमरा मैन
साफ है भाई इनके लिए, आपको बेस्ट दिखाने के लिए हम इतना कुछ करते हैं। बेस्ट दिखाने के लिए सही बात है, देखिए कैमरामैन खुद कह रहे हैं लाइक एंड शेयर बनता है क्योंकि इतनी मेहनत पे अपने नीरज भाई भी करते हैं, देख सकते हो आप कैसी मतलब कैसी। और बात आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता दिमाग जब आपकी गाड़ी ऐसा हो रहा है आपके साथ, और वो भी नई इतनी ज्यादा पुरानी नहीं गाड़ी, तो फिर भी मैं वही दुआ करूंगा कि आप सपोर्ट दिखाएं अपना। उतारने की कोशिश करेंगे, हमने उतारी हुई है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन लिंक होगी जाके जरूर देखिएगा, और हम चढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो उम्मीद है चढ़नी चाहिए, जो आपको टायर के निशान दिख रहे हैं शायद ये हमारे हैं, तो ये जो मेन रोड है साइड से, तो ये मेन है, तो ये हम जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट पर, सबसे पहले उतारते हैं बंदे क्योंकि ये बहुत ज्यादा। गाइस सच को मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि यहाँ से टाटा पंच चढ़ पाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल चढ़ाई बहुत ज़्यादा सीधी चढ़ाई है, तो उम्मीद है अगर आप को वीडियो में उतनी अच्छे से नहीं दिखी होगी, फिर भी मैं अपने एंड से बताऊँ बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। देखिए फिलहाल तो यहाँ से कितनी चढ़ाई है, पर यहाँ से मैं कहूँ कि ये गाड़ी जितनी चढ़ जाती, पर वो जो वहाँ से चढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अभी भी हमने वो आगे जाना है, अगर आप देख सकते हो उस साइड वो सबसे ऊपर टॉप पर अगर आपको दिख रही होगी वो रोड कटी हुई है, तो वहाँ पर हमने जाना है, तो मज़ा आया यहाँ से चढ़ा के। सच बताऊँ दो बंदे बैठे थे गाड़ी में, एक मेरे साथ बैठा था और बाकी सब मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चढ़ाई थी, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि गाड़ी उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं, आप सबको पता ही है। तो प्लीज़ मैं फिर कहूँगा सपोर्ट दिखाइए अपना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा अगर दिखते हैं आपके लिए तो हम जरूर जाएंगे। एक और जो खूबसूरती यहाँ के देसी भेड़ है जो कि भद्रवाह की आपको, तो बहुत ही शिल्ले भी है पिड्डे भी है, हमारे यहाँ पे डोगरी बोलते हैं इनको शिल्ले, तो हमारी भाषा में बोलते हैं छलड़ू और निकलिया, तो वहाँ पे ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा सबसे बहुत खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से मैं फिर कोशिश करूँगा चढ़ाने की, आप कमेंट करें यहाँ से चढ़ेगी गाड़ी की नहीं। नहीं देखिए राइट करिए, राइट करिए बस, साइड
बाइकर गाय से रिव्यू लेंगे कि उनका उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो आज मैं ऑफ रोडिंग करने आया नीरज भाई के साथ। मैंने देखा भाई ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। आप कैमरामैन की मेहनत दिखा सकते हैं, कैमरामैन आप देख सकते हैं कैमरामैन हमारे के बहुत स्ट्रगल होता है गाइस एक वीडियो के पीछे, आपके पास एक अच्छी क्लिप आ सके और आपके पास अच्छी एक फुटेज आ सके, आप उसको लाइक करें एंड जो भी है आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम बार बार यही दुआ करते हैं सपोर्ट चाहिए, बहुत जरूरी है। तो शेयर जरूर किया कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हुआ, लाइक करने में आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए, तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठोक दो तो लाइक। तो गाइस जैसे कि आपने देखी पिछली हमारी वीडियो स्टोरेज फुल हो गई थी, फिर भी हमने पीछे से कवर किया था, तो हमने सबसे पहले हार मान ली थी कि नहीं चलेगी गाड़ी, फिर भी हमने कोशिश की, पत्थर लगाया था छोटा सा, तो मुझे नहीं लगता उस पत्थर को लेके चढ़िए, बट फिर भी चढ़ी गाड़ी। तो अब आगे सबसे डेंजरस वाला रास्ता है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि आप सामने देखिए हमने जाना है यहाँ से नीचे और फिर निकालनी है गाड़ी, तो हमें जाना चाहिए बाहर सबसे पहले। तो ओह शिट, चलिए गाइस